Hi friends, welcome on Europedia, and now the shortlisting for DRDO has come. So there is a center of DRDO which is called RAC, that is Recruitment and Assessment Center, जो दिल्ली में है. RAC में इंटरव्यू होता है and on the basis of GATE 2023 for mechanical engineers, DRDO has shortlisted candidates for interview. DRDO का इंटरव्यू आप ऑलरेडी जानते हैं, ISRO जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा HR आपका ज़्यादा पूछते हैं, वो पर्सनल भी थोड़ा ज़्यादा पूछते हैं, वो आपकी अडेप्टेबिलिटी फॉर डिफेंस चेक करते हैं. तो मेरे हिसाब से जितना ISRO में होता है HR, उससे ज़्यादा HR DRDO में पूछा जाता है. आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह पूछे जाते हैं और टेक्निकल सब्जेक्ट्स के ऊपर काफ़ी फोकस होता है. जो मैराथन वीडियोज़ हैं यूरोपीडिया के हर ब्रांच के लिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और आप ऑलरेडी जानते हैं दैट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मैराथन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच आर देयर ऑन यू नो यूरोपीडिया. इवन ऑन दिस वेरी चैनल जहाँ पे आप ये मेरा नोटिफिकेशन सुन रहे हैं वीडियो, वहीं पे अगर आप मैराथन MARATHON मैराथन डालोगे फॉर आई थिंक थर्मोडायनेमिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, यू विल गेट दैट. तो आप इमीडिएटली वो सुनना स्टार्ट करें मैराथन. मैराथन सुनने के बाद आप स्नैप्स सुनें और फिर आप टेक्निकल मेंटर्स के साथ स्नैप्स लगाएं. दीज आर द कपल ऑफ स्टेजेस विच यू आर टू गो थ्रू एंड यू आर टू प्रिपेयर. डेडिकेटेड मॉक एंड डेडिकेटेड स्नैप फॉर प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप शुड बी डन, बिकॉज वो आपसे प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप के बारे में पता करते हैं, पूछते हैं. डेडिकेटेड स्नैप फॉर DRDO, वाई यू वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ DRDO, वट डू यू नो अबाउट DRDO, कुछ बेसिक्स वो आपसे पूछेगा, वो भी आपको पता होने चाहिए. एंड HR, तो ये सारा मिल मिला के DRDO का इंटरव्यू होता है फ्रेंड्स. इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस है और आपका जो उनके साथ बात करने का तरीका है, जो प्रैक्टिस से आएगा. मान के चलो 40-50% HR हो सकता है और बाकी टेक्निकल हो सकता है DRDO के अंदर जब आप जाएंगे. तो आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें. और ये इस बार जो आपका नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट आया है, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आया है. सो जिन स्टूडेंट्स को अगर आप अपना मेल चेक करोगे तो उसमें शॉर्टलिस्टिंग आया होगा. आपको अपना स्टेटस चेक करना है. जब आप स्टेटस इसमें डालोगे तो आपसे कुछ डिटेल मांगेगा और आपका जो लॉगिन नंबर वगैरह मांगेगा. जब लॉगिन नंबर वगैरह दोगे आपका DRDO का, तो वो आपका बताएगा वेदर यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर दैट और नॉट. तो इसको चेक करो. दूसरा RCFL का भी आ चुका है, तो RCFL का भी शॉर्टलिस्टिंग आया हुआ है, वो भी आपको मेल के ऊपर ही पता चलेगा. RCFL का डॉक्यूमेंट ले लेना और DRDO से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है यूरोपीडिया का, वो भी ले लेना. और जितना जल्दी हो सकता है आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो. आपको नहीं पता फ्रेंड्स, लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको एडवांटेज होता है. और यूरोपीडिया एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है जिसपे बहुत अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं इंटरव्यूज़ की, और मेंटर्स के साथ आप बेसिकली यू कैन डिस्कस विद द मेंटर्स योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. सो दैट इन दैट डायरेक्शन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग. और DRDO एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है. डिफेंस साइंटिस्ट बनना अपने आप में बहुत मैटर ऑफ प्राइड है, नेशनल सर्विस वाला काम है. तो अगर आप DRDO ज्वाइन करना चाहते हैं साइंटिस्ट बी और आपको इंटरव्यू कॉल आया है, तो फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज मैराथन सुनना स्टार्ट करो. सारे सब्जेक्ट्स के मैराथन पढ़े हुए मैकेनिकल के, मैराथन्स के साथ साथ आप स्नैप्स लगाना स्टार्ट करो. ऑल द वेरी बेस्ट, लुक फॉरवर्ड टू मेंटर यू वंस यू ज्वाइन अस. थैंक यू.